देवास जिले के ग्राम बेड़ामोह में 9 मई को करंट लगने से एक बंदर की मौत हो गई थी, जिसका ग्रामीणों ने हिंदू रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया था। वहीं गांव के सैंधव ने मुंडन कराकर 10वें दिन यानी दशा कर्म का कार्यक्रम और पूजन पाठ किया। बुधवार को 13वें दिन पंडित द्वारा बताई गई रस्म को भी किया गया। अन्न दान के रूप में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला व पुरुष ने प्रसादी ग्रहण की। किसी की मौत के बाद जो सारे कार्यक्रम परिवारजनों द्वारा किए जाते हैं, उसी प्रकार से बंदर की मृत्यु के बाद भी सभी ग्रामीणों ने मिलकर कार्यक्रम आयोजित किया। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। ये हमारे गांव में एक भगवान की सेना का जो कपि था, उसकी करंट लगने से मौत हो गई थी दिनांक 9 मई। उसका जन्म 13वां कार्यक्रम हुआ है और उपलक्ष्य में सारे गांव के लोगों को और आसपास जो भी जिनको हमने सूचना भेजी है, भजन किया गया, उसका भंडारा रखा गया। यहाँ पर जो व्यक्ति की मौत के दौरान जो प्रक्रिया की जाती है कार्यक्रम को लेकर, वो पूरी विधियाँ यहाँ पर की गई, पूरी वैसी की वैसी की गई, जैसे पगड़ी की रस्म, घाटे की रस्म, उसके उसमें मुंडन होना और जो मामा की तरफ से जाते हैं, इस तरह से जो भी कार्यक्रम होता है व्यक्ति का विषय तरह से पूरी तरह से वो का वही करें। और आज सार्वजनिक रूप से यहाँ पर सार्वजनिक बहुत रखा गया, पूरे गांव का मतलब सभी लोगों का और जो आसपास के लोगों उनको भी सूचित किया गया, जो भी आएंगे उनको सबका भोजन।